बॉल करेंगे पंकज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में कपिल, और पहली बॉल पर शांत तैयार और बेहतरीन शॉट, बेहतरीन और नेगी शानदार लगा पाएंगे लंबा छक्का बाबा, और नो लुक शॉट बाबा ने अपने। और पंकज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का 10वां सीजन यहां पर शुरू होता हुआ और काफ़ी बेहतरीन ग्राउंड पर खेला जाता हुआ RCG नोएडा क्रिकेट एक्सटेंशन में ग्राउंड है, मुकाबला अब शुरू होने वाला है कुछ ही समय में। और पहली बॉल करेंगे पंकज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में कपिल, और पहली बॉल पर शानदार छक्का लगा दिया है कपिल ने। पंकज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ हापुड़ वर्सेज विनिंग 11 के बीच, दूसरी बॉल के लिए तैयार और उठ जाएगी बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे है मौजूद और शानदार कैच और कपिल आउट हो जाएंगे। 8 ओवर का मुकाबला चलता हुआ ये पंकज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, फर्स्ट प्राइज 25,000 और सेकंड 7,000। सोनू अपनी तीसरी बॉल लेकर तैयार, विशु नए बल्लेबाज कपिल के आउट होने के बाद आ चुके हैं। फुल टॉस बॉल थी, बॉल जा रही है वन बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन, पहली बॉल पर शानदार चौका विशु द्वारा। चौथी बॉल लेकर विशु और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार विशु के लिए सोनू और बेहतरीन शॉट वन बाउंड बाउंड्री के बाहर 4 रन, चौके के बाद फिर तैयार और एक और विकेट, शानदार गेंदबाजी सोनू फ्रॉम हापुड़ को भी चीता ही कह देते हैं। विनर्स क्लब का ये दूसरा विकेट गिरता हुआ विशु के रूप में। और अब आ रहे हैं मनीष उर्फ भोला फ्रॉम चिप्पियाना बुजुर्ग, कप्तान भी हैं विनर्स क्रिकेट क्लब की टीम के। भोला पहली बॉल का सामना करेंगे, काफी अच्छी बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार और बेहतरीन 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे भोला, 1 रन आसानी से ले लेंगे। 17 रन विनर्स क्रिकेट क्लब 2 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। और बॉलिंग के लिए आ चुके हैं अब राहुल, काफी बेहतरीन गेंदबाज और लंबे ठाड़े भोला, मनीष करेंगे सामना राहुल का। भोला और बेहतरीन शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर कवर्स की तरफ, शानदार चौका भोला द्वारा, चौके के बाद फिर तैयार राहुल दूसरी बॉल लेकर तैयार, और भोला ने बेहतरीन छक्का लगा दिया है, मिस्टर 360 हो रहे हैं भोला। और तीसरी बॉल पर ये पहला छक्का भोला के रूप से बल्ले से निकलता, भोला फ्रॉम चिप्पियाना को भी चीता ही कह देते हैं। फिर भोला सामना करेंगे और भोला ने एक और अपने ही स्टाइल में भेज दिया है बॉल को बाउंड्री के बाहर 6 रन, उससे भी बेहतर छक्का, भोला फ्रॉम चिप्पियाना को भी चीता ही कह देते हैं। और राहुल तैयार 2 लगातार छक्कों के बाद, काफी अच्छी वापसी करते हुए बॉल हो जाएगी डॉट और काफी अच्छी बॉल, एम्पायर का इशारा नॉट वाइड बॉल, अंतिम बॉल बाकी और फुल टॉस बॉल थी पैरों की तरह बॉल बाउंड्री के बाहर, शानदार चौका भोला द्वारा, इस ओवर में आए 20 रन, स्कोर हो जाएगा 37 रन, विनर्स क्रिकेट क्लब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन। और अब पहली बार स्ट्राइक पे आएंगे दूसरे ओवर, तीसरा ओवर चलता हुआ चिंटू फ्रॉम गाजियाबाद, और बॉलिंग की जिम्मेवारी लेंगे सोनू जो कि पहले ओवर में 17 रन खर्च कर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। 8 ओवर का ये टूर्नामेंट का मुकाबला चलता हुआ सोनू के लिए चिंटू, और पैर में बॉल लगी रिवर्सिप के प्रयास में 1 ही रन बाई के रूप में आता हुआ। भोला काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और बॉल को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर, भोला ने कोर चौका, 3रा चौका भोला के बल्ले से निकलता हुआ, छक्के चौके में डील करते हुए भोला, वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार सोनू भोला के लिए, और बैट में बॉल लग के जाएगी, शानदार फील्डिंग, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, कैच छूट चुकी है। और अब चिंटू सामना करेंगे सोनू की बॉल का, क्या लगा पाएंगे लंबा छक्का सोनू, चिंटू की बॉल
और ये भी सूर्य कुमार यादव स्टाइल में चिंटू नहीं समझ पाए बॉल को। चिंटू और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, रिवर्सिप में शानदार चौका लगा दिया चिंटू ने। चौके के बाद फिर तैयार दोनों ही खिलाड़ी, और ये भी बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, चार रन नहीं रोक पाएगा कोई। बेहतरीन चौका चिंटू द्वारा। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो जाएगा 48 रन, विनर 11 दो विकेट के नुकसान पर 48 रन। ओवर लेकर तैयार और बेहतरीन कैच यहां पर, शानदार गेंदबाजी और बॉलर बालीवाल शानदार गेंदबाजी करते हुए बालीवाल को भी चीता ही कह देते हैं। और अब आते हुए रैना, गेम चेंजर रैना, क्या इस मुकाबले का रुख बदलने में कामयाब होंगे रैना। विनर्स क्रिकेट क्लब की ओर से बल्लेबाजी करेंगे रैना। रैना स्ट्राइक पर आ चुके हैं, बालीवाल शानदार गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन शॉट रैना का चौका पहली बॉल पर, बेहतरीन चौका। स्कोर हो जाएगा 56 रन, माफ कीजिए 48 रन नहीं था स्कोर, 56 रन हो जाएगा स्कोर अब। चौके के बाद रैना, और एक और चौका लगा दिया है रैना ने, बेहतरीन शॉट रैना द्वारा नजाकत से बल्लेबाजी करते हुए 4 रन। चौके के बाद वाइड डॉट बॉल हो जाएगी और बेहतरीन गेंदबाजी और आसानी से 1 रन ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अंतिम बॉल बाकी और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ओवर समाप्ति के बाद 4 ओवर में स्कोर हो जाएगा विनर्स क्रिकेट क्लब का 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग के लिए आ चुके हैं संदीप, रैना के लिए बेहतरीन गेंदबाजी, फील्डर उसके नीचे है मौजूद, और शानदार कैच, संदीप को भी चीता ही कह देते हैं पहली बॉल पर विकेट निकालते हुए। बल्लेबाजी पर आ चुके हैं अब संजीव, रैना के आउट होने के बाद संदीप, बेहतरीन गेंदबाजी, फील्डर उसके कोई पीछे नहीं है मौजूद, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और अब चिंटू संदीप की बॉल का सामना करेंगे, बेहतरीन गेंदबाजी संदीप द्वारा, डॉट बॉल, संदीप फिर तैयार, और बेहतरीन शॉट चिंटू ब्रॉम काजेबाद को भी चीता ही कह देते हैं, बेहतरीन छक्का, नो लुक छक्का चिंटू द्वारा। स्कोर हो जाएगा 72 रन विनर्स क्रिकेट क्लब का, और फिर तैयार, और ये डॉट बॉल हो जाएगी, एम्पायर का इशारा देखेंगे क्या होगा, लेकिन एम्पायर भी मौजूद, डॉट बॉल, शानदार अपील। अंतिम बॉल बाकी, संदीप बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वेरिएशन के साथ, चिंटू क्या लगा पाएंगे फिर एक और धमाका, और इस बार आउट हो जाएंगे, शानदार गेंदबाजी संदीप फ्रॉम गाजियाबाद को भी चीता ही कह देते हैं दूसरा विकेट। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो जाएगा 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर विनर्स क्रिकेट क्लब, और बेहतरीन शॉट्स बालीबाल शानदार गेंदबाजी करते हुए 1 रन। बल्लेबाजी पर आ चुके हैं बेहतरीन बल्लेबाजों में सुमार बाबा, 80 नंबर बाबा, और वाइड बॉल एम्पायर का इशारा, बाबा से काफी उम्मीद है विनर्स क्रिकेट क्लब को, क्या लगा पाएंगे लंबा छक्का बाबा, और नो लुक शॉट बाबा ने अपने स्टाइल में भेज दिया है 6 रन के लिए, बाबा फ्रॉम नोएडा को भी चीता ही कह देते हैं। और फिर बालीबाल नो लुक छक्का लगाने के बाद, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का बाबा द्वारा, बेहतरीन छक्का, शानदार छक्का बाबा द्वारा, ओवर द विकेट 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 6 ओवर पर गति पर, 15 बॉल बाकी, कितने छक्के लगा पाएंगे विनर्स क्लब के खिलाड़ी, बाबा 2 छक्के लगा चुके हैं लगातार, एम्पायर का इशारा देखेंगे, डॉट बॉल, फिर तैयार बाबा, और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर है मौजूद, शानदार फील्डिंग, 1 रन ही ले पाएंगे दोनों ही खिलाड़ी। और अंतिम बॉल इस ओवर की, और बेकार फील्डिंग का प्रदर्शन, बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद विनर्स क्रिकेट क्लब का स्कोर हो जाएगा 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर दीप बाबा के लिए, और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए संदीप, डॉट बॉल, बाबा तैयार,
और बेहतरीन गेंदबाजी संदीप द्वारा, लेकिन एम्पायर के सर्वाइड फिर तैयार। काफी अच्छी बॉल संदीप द्वारा, लेकिन बाई के रूप में एक रन। तीसरी बॉल संदीप, बेहतरीन रिवर्सिप स्वीप लगा दिया है शॉट को, शानदार फील्डिंग वहां पर, एक रन हो रहा आसानी से। बाबा फिर एक बार बल्लेबाजी पर, दो शानदार छक्के लगा चुके हैं बाबा, और शानदार गेंदबाजी संदीप द्वारा, एक रन बाय के रूप में। फिर तैयार संजीव, और बेहतरीन गेंदबाजी संदीप द्वारा, अंतिम बॉल इस ओवर की बाकी, और शानदार गेंदबाजी बेहतरीन गेंदबाजी संदीप द्वारा। 7 ओवर की समाप्ति के बाद विनर्स क्रिकेट क्लब का स्कोर हो जाएगा 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर, अंतिम ओवर बाकी। और अब बॉलिंग पर आ चुके हैं राहुल और बाबा, फिर तैयार, क्या लगा पाएंगे इस बार छक्का। बाबा बेहतरीन गेंद, लेकिन वहां पर फील्डर है मौजूद, क्या रोक पाएगा बॉल को। जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन 2 रन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी बॉल, और हवा में उठ जाएगी बॉल, फील्डर उसके नीचे है मौजूद, देखेंगे कौन है फील्डर। और बेहतरीन कैच, शानदार कैच, चीता ही कह देते हैं फील्डर को भी, बेहतरीन गेंदबाजी राहुल द्वारा। बल्लेबाजी पर आ चुके हैं बल्लू भाई, काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं बल्लू भाई, और बल्लेबाजी पर आ चुके हैं अब, और अब बल्लू भाई तैयार बल्लेबाजी पर, पहली बॉल पर स्ट्राइक दे देंगे संजीव को, एक रन, शानदार गेंदबाजी राहुल द्वारा। और संजीव 98 रन स्कोर हो चुका है, ये भी बॉल बैट में लगी, और एक और डॉट बॉल, अंतिम 2 बॉल बाकी इस मुकाबले की। संजीव और उठा दिया है हवा में बॉल को, फील्डर उसके नीचे है मौजूद, और काफी अच्छी रनिंग कैच करते हुए, लेकिन 2 रन और आसानी से हो जाएंगे, शानदार है फट लगाते हुए युवा फील्डर, स्कोर 100 रन पूरे हो जाएंगे, विनर्स क्रिकेट क्लब का स्कोर 100 रन, अंतिम बॉल बाकी इस मुकाबले की। संजीव और राहुल तैयार, वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार, और ये लास्ट बॉल, एक और वाइड, वाइड के बाद अंतिम बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी राहुल द्वारा, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, शानदार फील्डिंग करते हुए, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, और रन आउट हो जाएंगे बल्लू भाई, और शानदार बल्लेबाजी नहीं कर पाए बाद में अंतिम 2 ओवरों में। विनर्स क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी 103 रन बना पाए मुकाबले में, क्या हापुड 11 इस मुकाबले को चेस कर पाएगी, 104 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए, 104 रन का लक्ष्य धरा है विनर्स क्रिकेट क्लब ने हापुड क्रिकेट क्लब के सामने। और अब तैयार है हापुड 11 104 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। डल्लू दूसरी बॉल करेंगे, और पोल्डी कर दिया, शानदार गेंदबाजी डल्लू फ्रॉम सैनी सनपुरा को भी चीता ही कह देते हैं। और दूसरी बॉल पर हापुड 11 का विकेट गिर चुका है, बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए विनर्स क्रिकेट क्लब के गेंदबाज डल्लू, काफी गति के साथ गेंदबाजी करते हुए। और रोहित आ जाएंगे अब बल्लेबाजी पर, और अपने भाई बाबा जो कि कीपरिंग की जिम्मेवारी लेते हुए, और बेहतरीन शॉट, कपिल नहीं देख पाएंगे बॉल को, बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन। और फिर तैयार चौथी बॉल लेकर डल्लू, पैरों की तरफ बॉल थी और डॉट बॉल। 5वीं बॉल लेकर तैयार डल्लू, काफी अच्छी बॉल डॉट बॉल, और अंतिम बॉल बाकी इस ओवर की डल्लू, और डॉट बॉल। इस ओवर में मात्र 4 ही रन आए 1 विकेट के नुकसान पर, हापुड का स्कोर 4 रन 1 विकेट। अब गेंदबाजी पर आ चुके हैं कपिल फ्रॉम गाजियाबाद, वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार, बेहतरीन गेंदबाजी कपिल द्वारा, डॉट बॉल के बाद फिर तैयार, और नहीं रोक पाएंगे रैना, रोक लेंगे बॉल को। जी हाँ, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। 2 रन के बाद कपिल, बेहतरीन गेंदबाजी कपिल द्वारा, कपिल फिर तैयार, 8 रन हुए हैं अभी तक हापुड 11 का इसको, और बेहतरीन गेंदबाजी कपिल द्वारा, शानदार कीपरिंग बाबा भाई द्वारा।
और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लगातार डॉट पे डॉट बॉल करते हुए कपिल शानदार कीपिंग करते हुए बाबा भाई अंतिम बॉल बाकी इस ओवर की और बेहतरीन शॉट बॉल बाउंड्री के बाहर शानदार चौका 12 रन दो ओवर की समाप्ति के बाद हाफ उड़लिया बनकर स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। और फिर अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार डल्लू और बेहतरीन शॉट लगा दिया है नेगी फुटबॉल की तरह बॉल को रोकेंगे और दो रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दूसरी बॉल काफी अच्छी बॉल डल्लू तीसरी बॉल लेकर तैयार डल्लू उर्फ मोहित नागर फ्रॉम सैनी सनपुरा तीसरी बॉल लेकर तैयार और शानदार कैच बाबा भाई द्वारा डल्लू फ्रॉम सैनी सनपुरा को भी चीता ही कह देते हैं। पुडले हापुड का ये दूसरा झटका लगता हुआ 15 रन की स्कोर पर तीसरा ओवर चलता हुआ और संदीप आ चुके हैं बल्लेबाजी पर डल्लू फिर तैयार बेहतरीन शॉट संदीप द्वारा लेकिन सामने फील्डर मौजूद कपिल और एक रन डल्लू फिर तैयार काफी अच्छी बॉल डॉट बॉल डल्लू फिर तैयार और हवा में उड़ जाएगी बॉल उसके नीचे है बाबा भाई और नहीं पकड़ पाएंगे कैच छूट जाएगी नेगी और भाई के रूप में बॉल जा रही है ओवर थ्रो 3 रन लेने में कामयाब एक रन की जगह कैच हो सकता था 3 रन हो सकते थे 19 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद हाफ उड़ल एवन का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 19 रन अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार कपिल लो फुल टॉस बॉल फील्डर है मौजूद फुटबॉल खेलते हुए यहां पर और 2 रन आसानी से हो जाएंगे दूसरी बॉल लेकर तैयार कपिल और काफी अच्छी बॉल और एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और शानदार शॉट चिंटू है मौजूद और कैच छोड़ देंगे चिंटू और एक और कैच छूटती हुई चौके के बाद बेहतरीन शॉट सामने है डल्लू और एक ही रन आसानी से काफी अच्छी बॉल कपिल भाई द्वारा और बॉल डॉट एक रन आसानी से और चिंटू बॉल के नीचे है मौजूद लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे दोबारा भी कैच छूट जाएगी 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 27 रन हो जाएगा हापुड क्रिकेट क्लब का 27 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद और अब अभी 76 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए 4 ओवर में और बॉलिंग पर आ चुके हैं बल्लू भाई काफी बेहतरीन गेंदबाज और रैना भाई करते हुए कीपरिंग पहली बॉल और छक्का पहली बॉल पर शानदार वन बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रन काफी अच्छी बॉल बल्लू भाई द्वारा दूसरी बॉल डॉट 72 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए मात्र 22 बॉलों पर बल्लू भाई तीसरी बॉल लेकर तैयार और शानदार कीपरिंग रहना भाई द्वारा बाई के रूप में 2 रन मिल जाएंगे वाइड और एक बाई वाइड के बाद फिर तैयार बल्लू भाई काफी अच्छी बॉल डॉट बॉल बेहतरीन और नेगी शानदार कैच पकड़ते हुए और आउट हो जाएंगे बल्लेबाज शानदार गेंदबाजी बल्लू भाई फ्रॉम गाजियाबाद को भी चीता ही कह देते हैं और हापुड़ 11 की ओर से आ चुके हैं नए बल्लेबाज बल्लू भाई शानदार गेंदबाजी करते हुए बॉल लेकर तैयार 5वें ओवर प्रगति पर और बेहतरीन शॉट सामने है मौजूद चिंटू कचरा को भी चीता ही कह देते हैं और बल्लू भाई काफी अच्छी बॉल डॉट बॉल ओवर हो जाएगा समाप्त 5 ओवर की समाप्ति के बाद हापुड़ 11 का इसको 4 विकेट के नुकसान पर 36 रन 3 ओवर में 68 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए भोला आ चुके मनीष उर्फ भोला गेंदबाजी पर दूसरी बॉल शानदार शॉट बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर वन बाउंस बाउंड्री के पार 4 रन तीसरी बॉल लेकर तैयार भोला
काफी अच्छी बॉल, डॉट बॉल, भोला फील्डर है मौजूद वहां पर, डल्लू राम, बेहतरीन फील्डिंग डल्लू राम द्वारा, एक रन बचा दिया, तीन रन बचा दिए, बेहतरीन बॉल भोला, बड़ा शॉट सोनू का यहाँ पे, और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर चिंटू द्वारा, एक ही रन मिलेगा। छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हापुड़ 11 का 4 विकेट के नुकसान पर 42 रन, 2 ओवर में 65 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। बल्लू भाई एक बार फिर काफी तगड़ी गेंदबाजी बल्लू भाई द्वारा, दूसरी बॉल लेकर तैयार बल्लू बलराम, बेहतरीन शॉट उसके नीचे है भोला, शानदार कैच भोला द्वारा, रनिंग कैच, और बल्लू भाई को दूसरा विकेट मिलता हुआ। बल्लू भाई फिर तैयार, बेहतरीन शॉट, एक रन और, चौथी बॉल लेकर तैयार बल्लू भाई, वाइड बॉल, और बल्लू भाई वाइड के बाद, बेहतरीन शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, शानदार चौका, स्कोर हो जाएगा 46-47 रन, काफी अच्छी बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड, और डॉट बॉल, ओवर हो जाएगा समाप्त, अंतिम बॉल अभी बाकी है, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 4 रन, और अब आ चुके हैं नेगी, पहली बॉल एक रन, नेगी फिर तैयार, बेहतरीन गेंद नेगी द्वारा, तीसरी बॉल नेगी, बेहतरीन गेंद, फील्डिंग के अनुसार फील्डर मौजूद, एक रन और, चौथी बॉल लेकर तैयार नेगी, शानदार शॉट, फील्डर है मौजूद टल्लू राम, एक रन और, पांचवी बॉल, दो बॉल बाकी, शानदार कैच रैना द्वारा, और एक और विकेट गिरता हुआ हापुड़ 11 का, और ये मुकाबला हो जाएगा समाप्त। विनर्स क्रिकेट क्लब इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से जीत चुके, एक तरफा जीत चुके हैं, शानदार गेंदबाजी करी है कपिल और डल्लू ने, शानदार गेंदबाजी करी है, एक तरफा ये मुकाबला हो जाएगा समाप्त। विनर्स क्रिकेट क्लब इस मुकाबले को, एक तरफा ही मुकाबले को जीत जाएगी, और हापुड़ को ज्यादा खास बल्लेबाजी नहीं कर पाई है, और एक तरफा ये मुकाबला हो जाएगा समाप्त। विनर्स क्रिकेट क्लब अगले राउंड में जा चुकी है।